इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भक्तों के लिए मंदिर परिसर शिरडी की तर्ज पर भक्त निवास बनेगा। मंदिर प्रशासक कलेक्टर मनीष सिंह ने इसको लेकर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिया। इस बैठक के दौरान निगमायुक्त प्रतिभा पाल, मंदिर के मुख्य पुजारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। आज की बैठक में एक निर्णय यह महत्वपूर्ण हुआ है कि संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाएगी मंदिर में, और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंड भी मिलते हैं, दूसरा राज्य शासन के संस्कृत विभाग भी जो है, माननीय उषा ठाकुर मैडम जी का डिपार्टमेंट, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी, तो वो एक स्थापना करेंगे हम लोग। इसके लिए जो भी हम लोग को फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जो उज्जैन विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय, उससे हम लोग अवश्य संपर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग ने बात की है पहले, और उसके तर्ज पे एक खजराना क्षेत्र में ज़मीन है, खजराना मंदिर की, उसमें हम लोग इसको, उसकी ज़मीन को सुरक्षित भी कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, और वहाँ स्थापना करने की योजना प्रारंभ करेंगे। सैद्धांतिक निर्णय हुआ है। इस भवन में अपन प्रशासनिक भवन में बैठे हैं, जहाँ अन्य क्षेत्र भी चलता है। इसके बगल में भक्त सदन की एक स्थापना करने का है, और उसके बगल में प्रवचन हॉल बनाने का है। तो प्रवचन हॉल के लिए भक्त गण मिल गए हैं, जो जन भागीदारी से पूरा बनवा के वो देंगे, उसमें कोई भी मंदिर निधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार भक्त सदन का भी निर्णय हुआ है कि वही बनवाया जाएगा, और प्रयास किया जाएगा कि उसमें भी मंदिर निधि ना लगे। जो दानदाता हैं, कई लोग इच्छुक रहते हैं इस तरह कार्य कराने के लिए, तो उसमें जो प्लानिंग अभी की है वो ग्राउंड प्लस 5 भी की है। उसका मुख्य प्रयोजन ये है कि खजराना भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए न केवल मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों से, बल्कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से भी संख्या में लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में। तो अगर इस प्रकार का भक्त सदन अच्छा बन जाता है, तो लोगों के रुकने की व्यवस्था रहेगी, अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर भोजन यहाँ कर सकते हैं लोग, और एक अच्छी सुविधा मिल सकेगी इनको। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।